ऑल्टो में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जूम इन जूम आउट वाली। ये देखिए, ये है जूम इन और जूम आउट। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने कई सारी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, जैसे कि बायो टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी और भी ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीयों के उभरते टैलेंट को देखकर एक और टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम भाई जुगाड़ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही जुगाड़ू टेक्नोलॉजीज दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भैया वीडियो का असली मजा तो एंड में ही है। तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए इस एंटरटेनमेंट से भरी हुई वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, अगर आपको कहीं बाहर काम से जाना हो और सवारियां 4-5 हैं तो आप क्या करेंगे? क्योंकि भाई देखो, इतनी सवारियों को बाइक के ऊपर बैठाना बिल्कुल भी यार मतलब पॉसिबल नहीं है। लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में असंभव नाम की चीज ही नहीं है। अब जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, 4 बंदे तो बाइक के ऊपर पहले से ही विराजमान थे। इतने में ये 5वां भाई आकर कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन भैया, बाइक के ऊपर तो इतनी जगह है नहीं ना, इसको कहाँ बैठाएं? तो फिर आप देखिए, इन्होंने क्या गजब की जुगाड़ लगाई यार। अरे कहाँ जा रहे, मैं भी चलूंगा। अरे भाई, गाड़ी में जगह नहीं है, तुझे नहीं ले जा सकते। 2 मिनट रुक, मैं मेरी जगह खुद बनाता हूँ। ठीक है भाई। हेला बारिक, थैली पकड़ मेरी, ले बैठ जा इस पे। चचा जान दो 120 की स्पीड से। भले ये वीडियो जानबूझ के बनाया गया है, लेकिन दोस्तों है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। अगर आपको भी अच्छा लगा तो फिर सोच क्या रहो भाई, वीडियो को लाइक करो यार। दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज है भाई जिसका सेवन तो हर कोई करता है, और जाहिर सी बात है दूध वाला आपके घर दूध देने भी आता ही होगा। और अभी तक मैंने देखे जितने भी दूध वाले देखे हैं ना, उनके पास कुछ खटारा बाइक ही होती है जिस पर वो दूध देने आते हैं, और जिसके पास खटारा बाइक नहीं भी होती तो वो साइकिल पर दूध देने आते हैं। ये तो भाई आपने देखा ही होगा। और अब आप जरा इस जुगाड़ू दूधिया को देखे, इनके पास भाई एक खटारा मोटरसाइकिल है और एक खटारा कार भी थी। ऐसे में ना तो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर पाते थे और ना ही कार का, तो भाई इन्होंने अपना जुगाड़ू दिमाग दौड़ाया और मोटरसाइकिल और खटारा गाड़ी को मिलाकर कितनी शानदार गाड़ी बना दी। इसको आप देखिए। नो 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 नो। इस गाड़ी को चलता हुआ देखकर भाई एक बार तो पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि भाई इस गाड़ी का जो चलान है वो किस कैटेगरी में काटे, मोटरसाइकिल में या फिर कार में। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। दोस्तों, आज तक हमने ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन को सड़क पर दौड़ते हुए देखा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि दोस्तों अभी हम आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। आप देखो और बताओ। ये रियल है या फिर एडिटेड, खैर जो भी हो, लेकिन है बड़ी कमाल। दोस्तों, आपसे स्कूलों में या फिर बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि भेड़ चाल मत चलो। अभी देखिए, ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भेड़ होते हैं वो सारे साथ में चलते हैं, यानी कि एक कुएं में कूदेगा तो बहुत सारे के सारे कूदेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात आज इंसानों ने भी साबित कर दिया। अब वो कैसे भाई, आप खुद ही देखो। ये देखो बेवकूफ लोग, हम खड़े हैं, समझ रहे नीचे कुछ हो रहा है तो झांक झांक के देख रहे हैं। ये देखें कितना टाइम है इन लोगों के पास, ये देखें। भेड़ चाल का इससे अच्छा एग्जाम्पल तो शायद मेरे ख्याल से आपने कभी देखा नहीं होगा। एक के नीचे देखने पर सारे लोग रुक कर नीचे देख रहे हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा कांड हो रहा हो, जबकि नीचे तो दोस्तों आपने अपनी भारत की ट्रेनों के बारे में चर्चे सुने हो या ना सुने हो, लेकिन दोस्तों ये बात सुनी होगी कि ट्रेन कभी भी टाइम पर नहीं आती है, और तो और कभी कभी भैया पूरी रात स्टेशन पर ही बितानी पड़ जाती है। हो सकता है आपके संग कभी ऐसा हुआ भी हो। अब इसी समस्या को भाई ध्यान में रखते हुए इन भाइयों ने ये जुगाड़ लगा ली। अब यार ट्रेन टाइम पर आए या फिर ना आए, लेकिन नींद तो भाई फुल टाइम पे आती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जब धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आने लगता है तो बिजली की खपत भी भाई बढ़ने लग जाती है, और पिछले कुछ टाइम से तो भैया पता नहीं बिजली हमारे साथ क्या खेल खेल रही है, यानी कि भैया बिजली कब आती है और कब जाती है इसका पता ही नहीं चलता। और बिजली के ऐसे संकट से निपटारा पाने के लिए आप देखिए इन भाई साहब ने क्या जुगाड़ लगाया। वाह भाई वाह।
मजा आ गया देखकर। अब इस जुगाड़ को देखकर पता नहीं इस भाई की गर्मी दूर हुई कि नहीं, मगर हाँ अगर ये भाई इसी तरह से पंखा चलाते रहे तो इनका बिजली का बिल भाई जरूर जीरो हो जाएगा। दोस्तों जब भी किसी के घर में शादी होती है तो भाई जब तक वहाँ पे बैंड ना बजे या फिर डीजे ना बजे तो ऐसा लगता ही नहीं है कोई फंक्शन हो रहा है, कोई शादी हो रही है। मतलब यार कुल मिलाकर शादी में जब तक बैंड बाजे, डीजे गाना बजाना ना हो तब तक मजा नहीं आता। लेकिन दोस्तों आप इस शादी को देखिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ना तो बैंड बजाया और ना ही डीजे बजवाया, बल्कि खुद से ही कर ली देसी जुगाड़। गरीब की रसोई से हुआ हट रहा है मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों हम चाहें तो अपनी कार को भाई कितनी भी सेफ जगह पर रख लें, आए दिन कार चोरी होती ही रहती है, ऐसा आप सुनते भी होंगे है ना। लेकिन दोस्तों अब एक जगह ऐसी भी है जहां कार चोरी होना तो दूर, आपकी कार को बॉस कोई टच भी नहीं कर पाएगा। अब जरा आप देखिए वो कौन सी जगह है। दोस्तों ये रही वो जगह, मतलब अगर आप अपनी कार को छत पर पार्क करते हैं तो भैया आपकी कार 100% सेफ रहेगी। लेकिन हाँ अब इसके लिए आपको अपने कार को ऊपर चढ़ाने और नीचे उतारने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। बात तो सही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। दोस्तों गैस सिलेंडर तो भाई हर घर में होता है, ये बात हम जानते हैं कि सिलेंडर के जो दाम है वो रोजाना आसमान छू रहे हैं, और अब इसका असर भैया धीरे धीरे भारत की रसोइयों पर भी देखने को मिल रहा है। वो कैसे आप खुद ही देख लीजिए। अब भैया प्रेस का इस्तेमाल प्रेस के अलावा किसी और चीज के लिए भी हो सकता है, ये बात मुझे आज से पहले पता नहीं थी। दोस्तों मोबाइल को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हीट मशीन का भाई इतना भी इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है, ये बात कभी आपने सोची नहीं होगी। लेकिन अब आप जरा यहाँ पे देखिए, इन भाई साहब को चाय गर्म करने की कुछ जुगाड़ नहीं मिल रही थी तो इन्होंने इस हीट मशीन का इस्तेमाल भैया चाय गर्म करने के लिए कर दिया। क्या बात है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। दोस्तों अब सामान को इस्तेमाल करने के बाद उसका जो खाली डिब्बा होता है ना उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे भाई क्योंकि अब मार्केट में ऐसी जुगाड़ू टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे कि खाली डिब्बे का इस्तेमाल करके चार्जर बना सकते हैं। जी हाँ, वो कैसे जरा आप देख लो। दोस्तों जब भी हमें स्कूल में एग्जाम में या फिर गेम्स में फर्स्ट आने पर ट्रॉफी दी जाती है तो भाई उस टाइम पर जो मजा आता है ना वो अलग ही होता है, उसका लेवल बिल्कुल कमाल का होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लड़के को इनाम के तौर पर दी जा रही है ट्रॉफी। इसको लेने के बाद ये लड़का यार बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और खुशी के मारे उछल कूद करने लगता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर मेरी हंसी तो यार अभी तक रुकी नहीं, आप भी देख ही लो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करो, मुझे बताओ कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी, एंड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।